दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसे अपने जीवन काल में ईश्वरी अनुभव न हुए हों। जहां कुछ लोग उन संकेतों को, उन मर्मों से संबंधित ज्ञान को समझते हैं, वे लोग तुरंत समझ जाते हैं कि भगवान शिव आपसे क्या कह रहे हैं। लेकिन अगर इन संकेतों के बारे में हमें स्पष्ट रूप से न पता हो तो भगवान शिव के बुलावे के अवसर हाथ से निकल जाते हैं, क्योंकि भगवान शिव ने आप लोगों को भी अनेकों बार अपनी मौजूदगी का एहसास कराया है, क्योंकि आप लोग बहुत खास हैं ईश्वर के, और इसीलिए आप लोगों से कहा है ईश्वर ने कि सही वक्त आ चुका है, ज्यादा समय न खराब करें और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपने भगवान शिव की साधना, उनकी पूजा, उनकी आराधना प्रारंभ कर दें। तो क्या है वहाँ अद्भुत पांच संकेत? आपके भगवान शिव से आपकी पूजा आराधना, उनका जप शुरू कर दें। तो आज इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ पांच संकेतों के बारे में जानेंगे, जो आपको अगर अपनी पूजा में, इस स्वप्न में या जागृत अवस्था में अनुभव होते हैं तो उनका सीधा मतलब होता है कि आपको अपनी ईश्वर की पूजा आराधना शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि यह वे पल होते हैं जो आपका जीवन रूपांतरित कर देते हैं, पूरी तरह से बदल देते हैं। तो जानते हैं पहला संकेत, यदि आप नियमित पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं या कभी कभी कर रहे हैं उसके बावजूद भी आपको स्वप्न में ईश्वर के दर्शन होते हैं, तो यह स्पष्ट संकेत है कि ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि वह आपके साथ हैं और आपको तुरंत ही उनकी नियमित पूजा शुरू कर देनी चाहिए। दोस्तों, आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि आपको इतने स्पष्ट रूप से ईश्वर स्वप्न में दिख रहे हैं, क्योंकि यह घटना हर किसी के साथ नहीं घटती। कुछ अधूरा काम या प्रार्थना पिछले जन्म की रह गई होती है जो हमें अगले जन्म में संपन्न करनी होती है। कई सारे भक्तगण हमसे पूछते हैं कि पूजा पाठ और नहीं करते, फिर भी उन्हें स्वप्न में शिवजी दिखाई देते हैं, शिवलिंग दिखाई देते हैं, उनके गण दिखाई देते हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए? तो यह काफी स्पष्ट हो जाता है कि आप लोगों को ईश्वर संकेत दे रहे हैं, और हैरानी की बात है कि अभी तक आपने उनकी पूजा शुरू नहीं की। अगर आप एक बार उनकी पूजा आराधना शुरू कर दें इन संकेतों के बाद, तो देखिए आपका जीवन एक बीज से बदलकर विकसित होकर कैसे एक विशाल वृक्ष बन जाता है। आपको स्वयं ही समझ नहीं आएगा कि यह सब इतना सौभाग्य आपको कैसे और क्यों मिल रहा है। अब दूसरी संगीत के बारे में बात करते हैं। अगर आपकी नींद अक्सर ब्रह्मा मुहूर्त में खुलती है तो यह सीधा संकेत होता है कि आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं और कुदरत के साथ आपके निद्रा चक्र को कुछ इस तरह संतुलित कर चुकी हैं, जिससे आप ईश्वर से तालमेल बिठा सकें, उनके करीब जा सकें। तो अगर आपकी ब्रह्मा मुहूर्त में नींद खुलती है तो आपको अपने इष्ट की पूजा और साधना प्रारंभ अवश्य कर देनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग काफी प्रयास के बाद भी ब्रह्मा मुहूर्त में नहीं जा पाते हैं, क्योंकि उनका निद्रा चक्र और शरीर अनुमति नहीं देते कि वे उठकर पूजा पाठ प्रारंभ करें। तो आप लोग अपने आप को खुशकिस्मत समझें कि आप उस ब्रह्मा मुहूर्त के समय में उठ पाते हैं और दोबारा से सोकर ऐसे अवसर को गवाते नहीं हैं। अब जानते हैं तीसरा संकेत, जिसके द्वारा आपके ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि आपको उनकी पूजा और आराधना शुरू कर देनी चाहिए। वह इस प्रकार है, जब कभी भी आप मंदिर जाते हैं या कभी गए हैं तो आपको एक शीतलता, एक नवीनता, एक संपूर्णता का एहसास होता है। ईश्वर की प्रतिमाओं को देखकर लगाव महसूस होने लगे। जब आपको भगवान की प्रतिमाओं को देखकर आपके आंसू आने लगे, मंदिर के माहौल को देखकर, दीवारों को देखकर, मंदिर के प्रति अगर आपका प्रेम जागे और आपका मन करे कि आप वहां अधिक से अधिक समय बिताएं, अपने रोजमर्रा के कामों को छोड़कर कुछ समय के लिए आप मंदिर में मिल जाएं, अपने शरीर से हटकर अपनी आत्मा के मूल स्वरूप को खोजें, इस सत्य को खोजें, और अगर यह एहसास मंदिर में होता है और यह खिंचाव सत्य को लेकर आपको होता है,
तो यह सीधा संकेत है कि परमेश्वर ने आपके दिल के तार को छेड़ा है और आपके भीतर अनंत प्रेम का संचार हुआ है। आपको अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर देना चाहिए। चौथा संकेत, आपके मन में कभी कभी क्रोध आ जाता है, थोड़ा सा ही सही, लेकिन लालच और ईर्ष्या की भावना आ जाती है, जो आपके अंतर्मन को समझता है कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन भौतिक जरूरतों की वजह से आपको इक्का दुक्का बार अपने लालच की पूर्ति करनी पड़ जाती है, लेकिन इसका परिणाम काफी गंभीर हो जाता है और कुछ आपके साथ ऐसा घटने लगता है जो एक स्वस्थ जीवन जीने में बाधा बनता है। वह आपको तकलीफ देता है। और आसान शब्दों में, अगर आपके हाथों से थोड़ी सी बुराई हो जाती है तो इसके बदले आपको इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। तो यह सीधा संकेत होता है कि आपकी संवेदनशीलता बहुत ही अधिक बढ़ गई है। आप लोगों ने शत प्रतिशत कभी ना कभी अनुभव किया होगा कि दुनिया में या आपके आसपास कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो बुरा करने के बावजूद भी बच निकलते हैं, उनके साथ कुछ भी अशुभ नहीं होता। लेकिन वह इसलिए होता है क्योंकि उनका और उनके ईश्वर का जो रिश्ता है वह बहुत दूर है, बहुत कमजोर है। ईश्वर से नजदीकी बढ़ते बढ़ते आपके कार्यों के प्रभाव का जो अवसर है वह बढ़ जाता है, यानी कि आपकी संवेदनशीलता बढ़ जाती है और आप अपने जीवन में किसी का थोड़ा सा भला कर दें तो आपका बहुत अधिक भला हो जाता है। लेकिन अगर आप किसी को थोड़ा सा भी दुख पहुंचाते हैं तो आपको कई गुना मात्रा में उसका दुष्प्रभाव झेलना पड़ता है। तो इसका अर्थ यह है कि आपके कार्य का जो नतीजा है, जो यह फल है, वह कितना गुना बढ़कर आपको मिलता है, यह बताते हैं कि आप ईश्वर के कितने नजदीक हैं और आप चुने गए हैं किसी खास उद्देश्य के लिए। अब जानते हैं पांचवा संकेत, दिन के समय कभी भी आप अपने काम में व्यस्त होते हैं, उसी बीच अगर आपको यह अनुभव होने लगे कि कोई आपके आसपास है, कोई आपको घूर रहा है, लगातार आपको देखे जा रहा है, या कभी कभी किसी के चलने का एहसास होता है, कदमों की आहट अगर आपको सुनाई देती है, किसी की मौजूदगी अगर आपको महसूस होती है, तो वैसे समय में लोग बहुत डर जाते हैं यह सोचकर कि कोई नकारात्मक ऊर्जा है या भूत प्रेत है, और फिर भयभीत हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। लेकिन आपको यह गलती नहीं करनी है। आपको यह बात याद रखनी है कि यह सीधा संकेत है किसी सकारात्मक ऊर्जा की मौजूदगी का, क्योंकि हमेशा ही सकारात्मक ऊर्जा धैर्यवान होती है, उग्र नहीं होती, स्वामी होती है। यह आदत और यह मौजूदगी का एहसास सिर्फ सकारात्मक ऊर्जा ही पैदा करती है, वरना कभी भी अगर नकारात्मक ऊर्जा आएगी तो यह बहुत ज्यादा आक्रामक होगी, तीव्र होगी, असंवेदनशील होगी और फौरन हानि पहुंचाएगी। तो बहुत ही कम ऐसा होता है कि आपके जीवन में आपका सामना नकारात्मक ऊर्जा से होता है, बस वह आपका भय होता है जो जानकारी के अभाव में आपको डरने पर मजबूर कर देता है। तो अगली बार आपको जब भी ऐसा एहसास हो तो आपको भगवान शिव के करीब जाना है और एक विशाल सागर में एक बूंद की भांति उनमें मिल जाना है, उनकी पूजा आरंभ कर देनी है। मेरे प्रिय आत्मन, आपको एक बेहद जरूरी बात बतानी है। आप लोग असहयोग करना चाहते हैं तो मेंबरशिप बटन के द्वारा प्रयोग कर सकते हैं। मेंबरशिप से आने वाली सारी राशि जरूरतमंदों को जाती है। आपका छोटा सा योगदान किसी जरूरतमंद की पूरे हफ्ते की कमाई के बराबर हो सकता है। जरूरत के समय में हम सबको अपनी तरफ से थोड़ा थोड़ा प्रयास करना है भगवान शिव की स्तुति करने के लिए। आपका धन्यवाद। भगवान शिव की बातें, उनकी साधना और यह सीमित ज्ञान सब तक पहुँचाते रहें। भगवान शिव हम सबके साथ हैं और सबको देख रहे हैं। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो MV म्यूजिक चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखें।